वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। आज मैं फ़िलहाल अरे कॉलोनी में हूँ। हाँ, गोरेगांव में एक मैं काम के लिए आया था, वहाँ से नवी मुंबई जा रहा हूँ। तो बीच में हम लोग ने वाया आरे कॉलोनी, हम लोग नवी मुंबई वापस जा रहे हैं, इसलिए मैं ये जर्नी शूट कर रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। हाँ, और मेरी वेबसाइट www.travelingrush.in पे भी आप मेरे कुछ व्लॉग्स है वो भी पढ़िए और मेरे यूट्यूब के वीडियो वो भी देखिए। धन्यवाद। मैं अभी मोरेगांव से वापस नवी मुंबई जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आरे कॉलोनी में एंटर कर चुके हैं, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट है मुंबई सिटी में। किसी को लगता नहीं है कि फॉरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ है, यहाँ छोटे छोटे जानवर भी है, जो लेपर्ड वो सब भी है ये जंगल में। ये जंगल टोटली बोरिवली नेशनल पार्क है मुंबई में, संजय गांधी नेशनल पार्क वहाँ कनेक्ट हुआ है ये बहुत वास्ट एरिया पे। हम लोग यहाँ से आरे कॉलोनी से अमरोल की तरफ जाके वहाँ से नवी मुंबई के ले जाएंगे। खास करके हम लोग अभी आरे कॉलोनी से जा रहे हैं, तो मैं शूट करने के लिए कैमरा निकाला। पुराने ज़माने में यहाँ बहुत ही थिक फॉरेस्ट था, यहाँ दो ही बस जाती थी, 341 और 342। यहाँ मुंबई की फेमस डेयरी आरे डेयरी भी है। जैसा मुंबई में दो डेयरी, तीन डेयरी थी वो टाइम, कुर्ला डेयरी थी, वर्ली डेयरी थी और आरे डेयरी थी। जो फेमस एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी नाम से बोलते हैं दूध का, वो आरे डेयरी का ही प्रोडक्ट है। देखो राइट साइड में बोटिंग के लिए एक छोटा सा लेक है, यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो। और यहाँ एक फेमस गार्डन भी है, वहाँ बहुत से बॉलीवुड के मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। हाँ, उसे छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर बहुत थिक फॉरेस्ट है ये पहाड़ सब, जो आगे चल के बोरोली के हुआ संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ, वही पहाड़ जंगल को ये जंगल कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पीछे टावर दिख रहा है, वो दिंडोशी साइड का एरिया है। और यहाँ गाय के तबेले भी है, आएंगे तो यहाँ कई स्पॉट ऐसे है कि वहाँ आपको लेपर्ड का दर्शन भी होता है। पिछले 15-20 दिन में यहाँ दो जन पे ऑलरेडी अटैक कर चुका है। एक लेडी पे भी जो अपने घर के बाहर बैठी थी, उस पर लेपर्ड ने अटैक किया था, लेकिन उसका नसीब अच्छा कि उसके पास वो स्टिक थी, उससे उसने उसको भगा दिया। लेकिन ये भी अभी कमर्शियल और पिकनिक स्पॉट हो रहा है। ये देखो आगे चल के बहुत जगह पिकनिक, ये पिकनिक के स्पॉट भी बन रहे हैं।
हम लोग बचपन में आते थे वो टाइम था, बहुत ही ठीक फॉरेस्ट था और ऐसे स्टॉल सब अंदर बहुत कम थे। एक आर्य डेयरी का वहाँ ही आपको सिर्फ एनर्जी मिलता था या मसाला मिल्क मिलता था, उतना ही था। देखो कितना थिक फॉरेस्ट है, दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ है। अभी बीच में एक जगह दिखा कि वो झाड़ को निकाल रहे थे, आई थिंक वो गिर चुका था झाड़, पेड़ उसे वो निकाल रहे थे। अभी आई थिंक आर्य डेयरी भी आ जाएगी, यहाँ एक आर्य डेयरी और इसके आर्य कॉलोनी के बॉर्डर पे मानंदा डेयरी भी है। यहाँ लेफ्ट साइड में आर्य हॉस्पिटल है, डेयरी न्यूजीलैंड हॉस्टल है राइट साइड में, वो फेमस है। आर्य डेयरी आगे लगेगी। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में एक गार्डन है, छोटा सा गार्डन था। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट आर्य कॉलोनी के बाहर आ चुके हैं। आर्य कॉलोनी से बाहर आ चुका हूँ, पवई में हो, IIT के बाजू में। ट्रैफिक तो इतना नहीं है, मूविंग ट्रैफिक है। मैप में दिखा रहे 40 मिनट में नवी मुंबई पहुंच जाऊंगा। मेरे राइट साइड में हीरा नंदानी का एरिया है पूरा पवई का, बड़े बड़े टॉवर्स दिख रहे हैं। 600 मीटर्स कंटिन्यू स्ट्रीट टू स्टे ऑन आदि शंकराचार्य मार्ग जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल ड्राइविंग रश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे कर लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करें, और मेरी वेबसाइट www.travelingrush.in पे मेरे व्लॉग्स देखिए और कुछ वीडियोस भी है वो भी देखिए। तो वंस अगेन मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।